कोसीकला के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित डाहवों पर देह व्यापार का धंधा काफी समय से फल फूल रहा है, जहां दोपहर को ही पुलिस को सूचना मिली कि उस ढाबे में 2 युवतियां पिछले कई दिनों से रह रही हैं। सूचना पर पुलिस ने जब छापामार कार्रवाई की तो वहां कमरा नंबर 105 पर 2 युवतियां संदिग्ध अवस्था में कमरे के अंदर मिली। आपको बता दें कि पूर्व में भी उक्त ढाबे तथा आसपास के आधा दर्जन ढाबों में देह व्यापार के धंधे को लेकर कई बार स्थानीय पुलिस छापामार कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन कहीं न कहीं लेन देन कर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पाया कि वह दोनों युवतियां बीमारी का बहाना बना रही थी। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि वह दोनों युवतियां नेपाल की रहने वाली हैं। पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की टीम बुलाकर दोनों का पहले तो परीक्षण कराया और उसके बाद उन्हें मथुरा के लिए रेफर कर दिया। वहीं पत्रकारों के पहुंचने पर पुलिस ने मामले को दबाने का पूर्ण प्रयास किया।